कानपुर के रोवर्स मैदान पर पहुंचते ही झलक पड़े आंसू। कानपुर आते ही हुआ भव्य स्वागत व अभिनंदन। विश्व कप अंडर 19 विजेता T20 की रही सदस्य अर्चना निषाद का कानपुर महानगर पहुंचने पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। हरजिंदर नगर में व्यापारी सोनू बाबा, सुमित बघावन, अशोक मेम्बर आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद खुली गाड़ी में रोवर्स क्लब के खिलाड़ियों के साथ रोवर्स मैदान पहुंची। मैदान पहुंचते ही अर्चना की आंखें नम हो गई। भारत माता के जयकारे के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। क्रिकेट सदस्य अर्चना निषाद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उसका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया तो उनकी मां सावित्री ने दूध बेचकर हमारा व भाई रोहित निषाद का पालन पोषण किया था। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। वुमेन अंडर 19 की आप वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या कहेंगे लोगों से, क्या संदेश, किस तरीके से मेहनत किया था? मेहनत तो हर गेम में है, कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे गेम हो, हर इसमें मेहनत है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए कि हमें इस चीज नहीं हो रही तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर काम पे वर्क करेंगे तो हम आगे जरूर। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य हमारा ये कि अभी हमारा IPL होने वाला है, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे, सीनियर टीम में आएंगे, सीनियर टीम में ज्यादा से ज्यादा जगह बना के रखेंगे कि ये परफॉर्मेंस करके जगह बना देंगे। किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँची? यहाँ पे तो हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, पर हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ते थे। वहाँ पे हमारी पूनम गुप्ता मैम मुझे कानपुर लाई हुई थी, तो कानपुर लाके फिर कपिल सर के यहाँ पे प्रैक्टिस की, यहाँ से हम फिर आगे बढ़े। यहाँ से हमने 19 खेला और संजय सर और साजन सर और दिनेश सर और सुकांत सर, पूनम मैम, डेविड मैम, नीतू डेविड मैम और रीता डे मैम, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। आप फास्ट बॉलिंग पहले करती थी, स्पिनर्स कैसे? यहाँ पे आए थे तो कपिल सर ने हमारा ट्रायल लिया था एक बार, मीडियम पेसर का और स्पिनर का, तो सर को जो सही लगा सर ने मुझे स्पिनर पे बनाया। आप लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से जो आपके साथ आउट हुए बच्चे रहे हैं उनके लिए यही बोलूंगी, उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब जब तक पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, और हार नहीं माननी है, कोई भी गेम है बस मेहनत करते रहना। कुलदीप यादव ने आपका क्या योगदान करा? कुलदीप यादव, कुलदीप भैया जब भी आए हमसे कोई भी प्रॉब्लम हुई गेम के बारे में या परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इवन कोई भी चीज, तो उनको उनसे बताते थे, हमेशा वो सपोर्ट करते।